विजडम सागर की तरफों जुल्फकार लोन दा सलाम। अज तो आपको एक बहु ही तारीखी जा उमरकोट किले की सैर करवाने हैं। तो ये किला बहु ही मशहूर है तो पुराना है। ई शहर की आसार कदीमा के हवाले नाल बहु अहमियत है। उमर के किले की वजह कोलो ई शहर का ना ही उमरकोट रख दिता गया है। किला जरा तुसा देखते पाए हो ए उन वक्त दे बादशाह उमर सोमरो बनाया है। तो मारवी को जबरदस्ती अगवा करके ई किले च कैद किया है। ये किला मारवी दे अपने वतन नाल मुहब्बत इश्क आज़ादी पीत भरम फितरत नाल बेलौस जुड़त ते मन च वस्ती मुहब्बत दे आदर च जिंदगी को दाते ला देवण पारो मशहूर है। आओ ई किले दी मजीद तारीख थोड़े कट्ठे सांझ करने हैं। इस वीडियो पूरी देखसो, अगर सारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो को कर गिनसो ता जो वक्त ते तुहाकूं सारा तारीखी वीडियो मिल जा रहे भजन। ए किला जेरे शहर च वाके है जो उमरकोट आदन उन्दे बारे चार चीज़ा बहु मशहूर हैं। ई इलाके दे मर्द बहु अकलमंद हैं। त्रेमतियाँ चौड़ी दे चंद्र वांगू खूबसूरत हैं। ये किले दा जादू हर वेले इंसान दे उत्ते तारी रहवेंदे। ते उमरकोट च वाके तालाबां दी कंधी ते बूहेड़ या बरगद दे लंबे लंबे दरख्त, ये चार चीज़ा मैं कई कहावत पढ़िया हन। वाकई उत्थां वन के मैं डिठा वी हन और उन्हां दी खूबसूरती, उन्हां दी जिहड़ी इक चाशनी, उन्हां दी जिहड़ी इज्जत एहतराम रुतबा उत्थां वन के फील थींदे। ते भी एक गल जी मैं महसूस की थी है वो शायद वहद शहर है जेंदे च अज भी मैं खुद रो जड़े बूटे की खुशबू महसूस की थी है। वरना शहरें च धुएं ते ट्रैफिक की जी फटकार होंगी है टीटा के अलावा भी किश नहीं लगती। खैर तारीख साकूं ई किले के बारे दसेंदी है जो अकबर बादशाह की जन्म भूमि भी ई किले के नाल ई शहर च थी है। जदा हुमायूं राजपुताना को मायूस थी उमरकोट आए तो सन 1542 हिजरी च अकबर पैदा थे। आ दिन वक्त तो गुजर वेंदे पर पिछा अपना लकीर छोड़ वेंदे। कुछ कौम या लोग इन लकीर को पढ़ के माजी दिया गलतियां नहीं दोहरेंदियां तो कुछ सारी जिंदगी इन लकीर को पकड़ के बहे वेंदियां। यो लोग दास्तान है, यो शबीह है जरी किले च मौजूद है। तुसा लेदे पे हो उमर दी जरा उन वक्त बादशाह हा मारवी दी ते उन्दी सहेली दी जैको उमर बादशाह हा उन्दे शहरी चों खूह ते जले पानी भरन गई वदी है मारवी उत्थां कोलो बन के उको गिरफ्तार की तुस उको अपने इत्थां किले च आया अन के कैद कर ली तुस ते आखे उस तू मेरे नाल शादी कर। पर मारवी अपना वादा अपना प्यार अपना मन अपना दिल कहीं बह को दे चुकी है। मारवी ई जाहो जलाल ई किले दी जरी एक खास किस्म दी मैकेनिकल लाइफ है जरा एक इकतदार दा नशा है उसको ठुकरा के अपने मन दी गाल मन्योस अपनी आज़ादी को आदर दितोस। और ई किले दे दीवारें विच उन्दी मोहब्बत को कैद नहीं किया गया बल्कि जितना अरसा भी मारवी रही है जितना भी उनको लालच दिता गया जितना भी उनको आख्या गया मारवी उनको रिजेक्ट कर दिता हा। और ये उन किले दे बाहर मौजूद हुनरमंद हैं जे अज भी पुराने खुसे जुतियाँ हाथ नाल बना के विचेंदन और बैठन। और कौन तसव्वुर कर सकदे कहीं वक्त दे बादशाह दे किले दे अंदरों एक महान कारीगर अपने जुतियाँ बना के विचे सी। यो माजी दे लकीर हैं, यो माजी दे सबक हैं जेरे साकों भी सीखने चाहिए। हर चीज़ दा एक वक्त होंदे, अगर तुसा वक्त दे नाल चीज़ों को निवे समझेंदे निवे परखेंदे उन्हें मुताबिक अपने आप को निवे बदलेंदे एडजस्ट निवे थींदे दुनिया नाल तो दुनिया बहु अगा निकल वेंदी है। तो सारी जिंदगी सिर्फ माजी दे मिसमार ज़दा खंडरें वाली कार बाकी रह वेंदी है।
और उनकी सिर्फ अहमियत इतनी होती है जो तारीख है या तो वह कहीं को सबक आमोज कहानी सिखाने वास्ते होती है या इबरत हासिल करने वास्ते होती है या अगर तुसा एडजस्ट थो तो वल तुहारी बका या कहानियां उनके नाल जुड़िया हुआ हो। मैं किले के अंदरों बन के वह सारा फीलिंग्स महसूस किया, वो सारे दबदबे रुतबे हाथी घोड़े वो तलवारा नेजे तोपा लश्कर जे को फतह कराने अपना योगदान देंदे रह गए हैं उन्हें दे मैं सारा धाणा महसूस किया। मैं मारवी की फरियाद भी महसूस की, मैं उम्र के दड़के भी महसूस किए, पर मेरे को सब को जी इंट्रस्टिंग गाल या दिलचस्प गाल लगी वह किले के इर्द गिर्द अज भी खूबसूरत दरख्त अज भी खुला माहौल अज भी चिड़े की चिलकारी थान है वह अज भी मौजूद हा जरा मेरे को असल खूबसूरत लगे। बाकी मैं शदीद थोराए तो मुहब्बत का कर्जदार हाँ सही जी एम भगत का जेरे मेरे को मेजबानी की थी है मेरी मेरे को आदर दितस मेरे को प्यार दितस और अपने घर टिका के अपने घर के फर्द अलीकार इज्जत तो एहतराम दितस मैं उनका भी शुक्रगुजार हाँ और मैं सारे दोस्त ने जेरे नाल मेरे रह गए बहुत शुक्रिया दोस्त।